Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. Guys, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रांसफॉर्म हम करने वाले हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि हमको पहले हमारा गोल बताना चाहिए कि गोल हमारा क्या है जब हमें ट्रांसफॉर्म करनी है हमारी बॉडी। तो अभी मैंने अपना BMI, आप आधे लोगों को नहीं पता BMI क्या होता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ऐसी मशीन होती है, एक किसी भी जिम के अंदर जाके आप जाओ, अच्छे जिम के अंदर 500 रुपये लिए, मेरे से भी 500 रुपये लिए, मैंने भी करा लिया, आप भी करा सकते हैं ऐसी, ठीक है। और दूसरा मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपको करवानी ही करवानी है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए भागते हो, लेकिन क्या आपको पता होता है आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक जाना, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना, आपकी बॉडी में कहाँ कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, नहीं पता होता। बस इसको देखा, इसकी बॉडी बन गई, उसकी बॉडी बन गई, तो मुझे भी बनानी है, तो मैं भी भागूंगा बॉडी बनाने के लिए। भैया कौन सा प्रोटीन खा लूँ, भैया कौन सा खा लूँ, पता किसी को कुछ नहीं है, मुझे बॉडी में करना क्या है। तो अभी मैं वही चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, क्या हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज होता है, क्या हमारा स्केलेटन मास वेट होता है, और कितना हमारी बॉडी में वाटर होता है। ये सारी चीज़ें पहले आप जानो, उसके बाद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भागो। ऐसे नहीं कि किसी को देखा बॉडी बनानी और हम जिम में जा रहे हैं किसी भी भैया के पास, भैया एक पाउडर का डब्बा दे दो, एक गेनर दे दो, एक प्रोटीन दे दो, हमें बॉडी बनानी, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होते। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कभी घर से निकले हो और बिना किसी गोल के कि जाना कहाँ ये पता नहीं है, बस घर से निकल गए हो, ऐसे कभी नहीं होता, कभी नहीं निकले होगे, तो बॉडी बनाने को ऐसे क्यों निकल जाते हो। तो BMI का मैंने आपको बता दिया, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। इस तरह से ब्लड टेस्ट सैंपल लेने आते हैं, आधे लोग पूछते हैं भैया क्या ब्लड टेस्ट करवाना है। आप गूगल पे जाएं, नियरेस्ट पैथ लैब लिखें, PATHLAB, पैथ लैब, वहाँ पर फ़ोन करें, उनको बोलें भैया हमको फुल बॉडी चेकअप करवाना है, फुल बॉडी टेस्ट करवाना है। तो उसमें आपका लीवर, किडनी, हार्ट और आपके सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में होती हैं, उन सब का टेस्ट की आपको रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले जो मेरे भाई हैं, वीडियो पूरा देखना, बहुत बहुत आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो जो मेरे भाई हैं जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिनको गिनेकोमिस्ट्रिया प्रॉब्लम है, गायनेकोमिस्ट्रिया प्रॉब्लम है, या जिनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो ऐसी चीज़ें आपको दिखने मिलेंगी कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है ड्यू टू योर बैड लाइफस्टाइल, या फिर आपको हो सकता है। तो उन लोगों को मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ, वीडियो पूरा देखना, भी BMI और अपना ब्लड टेस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। तो उन लोगों को सबसे पहले एक प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ, अब जब आप टेस्ट करवाओगे तो मेरे टेस्ट में भी थोड़ी सी गड़बड़ निकली है। ये PCT प्रो है, कई लोगों ने मुझे पूछा भी भैया इसका रिव्यू कर दीजिए। अब देखो ये मेरे जेल जाने से पहले का डब्बा, ये खाली है, ठीक है, और ये मैं पूरे के पूरे 6 महीने 7 महीने 8 महीने खाता रहता हूँ लगातार, क्योंकि अरे किसने आवाज़ कर दी, ओ बिकॉज 100% नेचुरल है। तो आप इसको 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल रेगुलर भी खा सकते हो। और कुछ मेरे भाई 10 दिन खा के बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा में रखता हूँ, ये मेरा पिछले साल जब मैंने मंगाया था तो ख़त्म होने वाला था, तो एक्स्ट्रा में रखा हुआ था, आप देख लो सील पैक है, कभी आपको लगे। और क्योंकि ये 1 साल पुराना हो चुका, तो मैं इसको नहीं खाने वाला हूँ। अब मैंने नया मंगा लिया, ये रहा PCT प्रो। इसके फ़ायदे क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रीबुलस टेरेस्टेरिस, अश्वगंधा, म्यूक्यूना, टर्मेरिक, सफ़ेद मूसली, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, और इसके अंदर हमको मिल्क थिसल मिल जाता है, डेंडलीफ एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, ग्रीन कॉफ़ी बीन मिल जाती है। तो ये क्या है, हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और उनके लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जमे होते हैं, तो उसको क्लीन कर देगा। जब आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, अगर आपका बैड लाइफस्टाइल है, आप देखोगे आपके लीवर में SGPT आपका, या आपका किडनी के अंदर, या आपके हार्ट के अंदर छोटी मोटी पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं, वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों का, मेरे भाइयों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम मिलेगा, रेफरेंस रेंज से नीचे जिनको मिलेगा, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा टेस्टोस्टेरोन ऊपर लाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको टेरेस्टेरिस मिल जाता है, अश्वगंधा मिल जाता है, म्यूकोना मिल जाता है, आपको सफ़ेद मूसली मिल जाता है, और ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं, जिससे कि आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है। तो जो मेरे भाइयों को एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम है, गायनेकोमिस्ट्रिया हो जाता है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एस्ट्रोजन लेवल नीचे लाने में। एस्ट्रोजन लेवल नीचे आने की वजह से आपको गायनो प्रॉब्लम होती है, जो निप्पल्स में गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसको नीचे लाने में बहुत हेल्प करेगा, और आपके टेस्टोस्टेरोन को ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। और जैसे आपको एक बार और स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपका जो एस्ट्रोजन है उसको ख़त्म करेगा, बैलेंस करेगा, डिटॉक्स लीवर को डिटॉक्स करेगा, कोलेस्ट्रॉल जो है आपका उसको बैलेंस करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, किडनी को डिटॉक्स करेगा, और बोन एंड जॉइंट को आपके सपोर्ट करेगा। सप्लीमेंट फैक्ट्स भी आपको दिखा देता हूँ इसके, जैसे आपको दिख रहा होगा एस्ट्रोजन ब्लॉकर इसके अंदर आपको मिल जाता है, परफॉर्मेंस
मैट्रिक्स आपको इसके अंदर मिल जाती है, टेस्टोस्टेरोन मैट्रिक्स आपको इसके अंदर मिल जाती है, सारी चीज़ें, बोन एंड जॉइंट मैट्रिक्स मिल जाती है, लीवर एंड किडनी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो लीवर किडनी बोन सबके लिए ऑलराउंडर है भाई। जैसे मेरा दूसरा चैनल है राजवीर ऑल इन वन, ऐसे ही ये है डॉक्टर्स चॉइस का PCT प्रो ऑल इन वन, जो आपके सारी जो समस्याएं आएंगी जब आप टेस्ट करवाओगे उनको सारियों को भगा देगा। इसको पूरे साल भी खा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 100% नेचुरल है। अब मैं आपको मेरी BMI दिखाता हूँ। BMI क्या होता है? बॉडी मसल इंडेक्स, जिससे आपको सारी चीज़ें आपकी बॉडी में पता लग जाती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी, रेफरेंस रेंज है साइड में दिख रहा है आपको 34 से 42, लेकिन मेरा निकला 43, मतलब कि मेरी बॉडी में वाटर ज़्यादा है। तो अब मुझे पता है कि मुझे मेरी बॉडी से वाटर दूर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या खाना है, कैसे डाइट करनी है, कैसे वर्कआउट करना है। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे करूँगा। दूसरा आता है हमारा प्रोटीन, हम मेरी बॉडी में 11.9 है, होना चाहिए 9.3 से 11.4। तो प्रोटीन भी ज़्यादा है, मिनरल्स भी ज़्यादा है 3.83, मतलब मिनरल्स बीच में है, जितना होना चाहिए रेफरेंस रेंज मिनरल्स मेरी बॉडी में उतने हैं। बॉडी फैट मास जो है मेरा 33.5 है, और वेट जो है वो मेरा 92.8 केजी दिखा रहा है, वैसे 94-95 केजी वेट है मेरा, इसमें थोड़ा कम दिखा रहा है, आई डोंट नो वाओ वाई एंड हाउ। और अब यहाँ आते हैं मसल फैट एनालिसिस पे आप आएंगे, तो वेट आप देखेंगे मेरा 92.8 है, ओवर लिखा हुआ है, उस रेंज पे जा रहा है, तो मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा फाल। स्केलेटन मसल मास आप देखेंगे 33.8 है, नॉर्मल से ऊपर जा रहा है ये भी। बॉडी फैट मास जो है वो 33.5 है, ये भी नॉर्मल से ऊपर है, मतलब आपको दिख रहा होगा नॉर्मल के बीच में जो लाइन है वहाँ होना चाहिए, लेकिन उससे बाहर जा रहा है सब कुछ। अब ओबेसिटी, मतलब मैं ओबीस की गिनती में तो नहीं हूँ, ओबीस मतलब जो मोटे लोग होते हैं, तो BMI जो है वो मेरा 33.1 जा रहा है, जो कि ओवर है। और PBF मतलब परसेंटेज बॉडी फैट परसेंटेज, कि मेरी बॉडी में कितना परसेंट फैट होना चाहिए और कितना है, 33.5, मतलब मेरी बॉडी में अगर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, नॉर्मल अच्छी फिजिक चाहता हूँ, तो 14-15% बॉडी फैट बहुत अच्छा होता है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, लेकिन मेरा है 36.1। तो अब आपने कभी चेक किया आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है? अब मुझे पता है 36.1 है और मुझे 9% पे लेके जाना है, तो 36 से 9 चार गुना है, तो इस चार गुना को महीने के हिसाब से मैं कैसे डिवाइड करूँगा, मेरे सप्लीमेंटेशन के साथ, मेरी डाइट के साथ और मेरे वर्कआउट के साथ, किस तरह से मैं इस 36.1 मतलब कि चार गुना बॉडी फैट परसेंटेज को 9% पे या 10% पे, जब बॉडी बहुत श्रेडिड दिखेगी ऐसी जैसी आपको साइड में दिख रही होगी, इस बॉडी पर मुझे जाना है। तो अब मुझे कैसे सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो यहाँ से सारी चीज़ें पता लगती है। और नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉडी कंपोजिशन हिस्ट्री जो है वो वेट है 92.8, SMM स्केलेटन मास जो है वो 33.8 और बॉडी फैट परसेंटेज है 36.1। तो इस तरह से यहाँ सारी चीज़ें पता लग जाती है। और यहाँ पर इन बॉडी स्कोर जो है वो मेरा 63 है। इन बॉडी स्कोर मतलब कि एक बॉडी, हेल्दी बॉडी जो मैं मशीन पर खड़ा हूँ, तो उस मशीन ने बता दिया कि मेरे 100 में से 63 नंबर है। 100 out of 100 ना हो कोई बात नहीं, लेकिन 90 तो हो, 92 तो हो, 95 तो हो, ये हमारा बॉडी स्कोर होना चाहिए, लेकिन मेरा है 63। तो आप, मैं एक नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान से काफ़ी नीचे हूँ, इंटरनल ऑर्गन्स मेरे सारे ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है, ओबीस की गिनती में मैं आ गया हूँ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा टारगेटेड वेट होना चाहिए वो 69.7 केजी होना चाहिए, मतलब 70 किलो के आसपास जो एक हेल्दी बॉडी वेट बताया जाता है एक हेल्दी इंसान के लिए, वो 70 किलो होना चाहिए जो इसमें दिखा रहा है, लेकिन मैं 85-84 रखता हूँ, उस पर भी 10-12 किलो ऊपर ले जाके, ताकि मेरा मसल मास ज़्यादा दिखे। बेसल मेटाबॉलिक रेट 1650 होना चाहिए, 1903 से 2244 मेरा है 1650, मतलब स्लो है। जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उनकी बॉडी पे फैट जल्दी चढ़ता है, जिनका हाई होता है उनकी बॉडी पर साइज गेन करने में प्रॉब्लम आती है, फैट गेन करने में प्रॉब्लम आती है। वेस्ट हिप रेशियो 1.2 है, जो कि 1.02 है, जो कि 0.8 से 0.9 के बीच में होना चाहिए। बेसिक वेस्ट और हिप का जो रेशियो है वो भी ज़्यादा है। जो विसरल फैट लेवल है वो 16 है, जो कि 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, ये भी डबल है। ओबेसिटी डिग्री जो है वो 150% है, जो कि 90 से 110% होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें ये सारी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से आप अपना BMI करवाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, मोटी मोटी दिखा देता हूँ, ताकि आप बोर भी ना हो, वीडियो लंबा भी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए।
जो लोग मुझे पूछते भैया कौन सा टेस्ट करवाना है, टेस्ट आपको करवाना है फुल बॉडी चेकअप आपको करवाना है, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट इसको बोलते हैं। आप किसी भी पैथ लैब पे जाके आसपास की आप ये बोलते हैं भैया हमको फुल बॉडी चेकअप करवाना है, आप हमारा चेकअप कर दीजिए। अब ये फर्स्ट पेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर क्या है, जो तो ये जो आपको पेज दिख रहा होगा इसके अंदर जो ग्रीन लाइन है ना, ये एक नॉर्मल आदमी की लाइन है। जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है बीच में, इधर इधर ऑरेंज है, इधर ऑरेंज है और बीच में ग्रीन है, तो ग्रीन के बीच में जहाँ भी हमारा पॉइंट आएगा ना वो नॉर्मल इंसान का है। जो नीचे आएगा वो भी खतरे वाला है और जो ऊपर जाएगा वो भी खतरे वाला है। तो मेरा ग्लाइकोडिड हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर उसमें लिखा हुआ है कंसर्न। और साइड में देखिए आयरन सीरम वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, क्रिएटिन सीरम मेरी बॉडी में कम है। आप देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑरेंज लाइन पर लाइन जा रही है, और जो कैल्शियम है वो बिल्कुल बीच में है, 9.5 है। मुझे ऐसे लगा था कि भाई मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं है कि कैल्शियम मेरी बॉडी में कम है, तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी का सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा, बट आई एम लक्की कि कैल्शियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कैल्शियम किसी मेरे भाई को कम लगता है तो कैल्सीरोल, मैं आपको बता दूं कैल्सीरोल से पाउच आते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइएगा, आप बोलिएगा भैया मुझे कैल्सीरोल चाहिए, मेरा आप वर्ड सुन लीजिए ठीक से, कैल्सीरोल, उसके पाउच आते हैं। 3 दिन में 4 दिन में एक पाउच अपने दूध के अंदर डाल के पिए, 2 महीने 3 महीने पियो, सारा कैल्शियम आपकी बॉडी का एकदम धांसू हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन HB जो है वो नॉर्मल है मेरा, TSH अल्ट्रा सेंसिटिव ये नॉर्मल है, SGOT SGPT जो रेशियो है मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो जो मेरा लीवर है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोलेस्ट्रॉल जो सीरम है वो मेरा बिल्कुल बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्रिएटिन थोड़ा सा कम है और तो इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है, हम साइकिल पर जा रहे हैं, तो हम साथ में कोई ऐसी एडिशनल चीज़ ऐड करें जिससे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम भी बराबर होता रहे और हमारी बॉडी भी बनती रहे। दूसरा हमारा ये आता है फास्टिंग ब्लड शुगर, हमारी बॉडी के अंदर जो जो ब्लड शुगर है मेरा वो कहाँ पर आया हुआ है, अब अगर ये ज़्यादा होता या कम होता तो वो भी टेंशन वाली बात थी। तो जब मैं कोई भी साइकिल चलाता, कोई भी फूड सप्लीमेंट खाता, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खाता जो मेरा ब्लड शुगर है वो ज़्यादा है या कम है, तो मुझे ऐसी कौन सी डाइट ऐड करनी है। और जो कोच होते हैं हमारे वो इन्हीं चीज़ों को देख के हमारी डाइट बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो ब्लड शुगर जो है मेरा वो 82 है और जो बायोलॉजिकल रेफरेंस यूनिट है वो है 70 से 100, मतलब 70 से 100 के बीच में अगर आपकी है तो आप एक हेल्दी इंसान हो। तो ब्लड शुगर मेरा नॉर्मल है बिल्कुल। मोटी मोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आपको पता है और आपको समझ में आता है, वैसे तो बहुत सारी है और थक जाओगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पेज में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल लाइट दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये बीच में एक नंबर आपको डार्क दिखेगा 125.3, जो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल है 125, मतलब कोलेस्ट्रॉल मेरा ऊपर जा रहा है, 100 से नीचे होना चाहिए। तो हम काम कर, मैं थोड़ा सा काम करूँगा कोलेस्ट्रॉल पे कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना खाऊँ जिससे मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा आयरन बॉडी के अंदर 83.4 है, जो कि 70 से 180 के बीच में होना चाहिए, तो नॉर्मल है। और मेरा और पूरा यहाँ पर जो कलर है यूरिन का वो येल्लो आया है, जो सारी चीज़ें नॉर्मल है, कुछ जो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए वो नेगेटिव हैं। और यहाँ आप देखिए कोई मेरी बॉडी में कास्ट तो नहीं है, नील है, क्रिस्टल तो नहीं है नील है, बैक्टीरिया तो नहीं है एब्सेंट है, यीस्ट तो नहीं है एब्सेंट है, कोई और चीज़ तो नहीं है, सब नील है, बिल्कुल फिट बॉडी है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरा टेस्टोस्टेरोन होगा 288, जो रेफरेंस यूनिट है वो 197 से 669 है, मतलब कि 200 से लेके 700 तक है, मेरा 288 है, मतलब 300 के आसपास है। तो टेस्टोस्टेरोन भी जो है बिना कुछ खाए बिना कुछ किए, अभी थैंक्स टू डॉक्टर चॉइस इसको खाने वाला हूँ, तो थोड़ा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और नेचुरल हाई होगा। जब हम साइकिल पर होते हैं, मैंने पिछली बार जब ब्लड रिपोर्ट करवाई थी तो मेरा 1600-1700 टेस्टोस्टेरोन आया था, क्योंकि उस टाइम पे इंजेक्शंस लग रहे थे टेस्टोस्टेरोन के। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लग जाती कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा, कि कभी ऐसा हो कि बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर दे। और सबसे लास्ट में मेरा ये आता है HIV का टेस्ट करवाया था, वो वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे मैंने टेस्ट करते टाइम सारी चीज़ें दिखाई थी, वो वीडियो आई डोंट नो हाउ डिलीट हो गया। तो HIV जो है वो नेगेटिव है। तो मेरा ये दिखाने का कंसर्न ये है, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं जितने भी बड़े भाई हैं थोड़े से ना समझ हैं बॉडी बिल्डिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, बॉडी देख के उतावले हो जाते हैं कि बॉडी बनानी है और कुछ करना है। भाई इसको 1-2-3 महीने में करवाते रहा करो, आपको पता लग जाता है कि कौन सी नब्ज कहाँ से कमज़ोर हो रही है, उसको कहाँ से पकड़ना है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई कुछ चीज़ डैमेज हो रही है और हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि हम उसको फील नहीं कर पाते वो अंदर अंदर डैमेज हो रही है। हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, हमारा हीमोग्लोबिन है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है,
कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी बॉडी में बढ़ती चली जाती हैं या घटती चली जाती है और हमको वो रियलाइज़ भी नहीं होता। रियलाइज़ वो हमको जब होता है जब हम एंड स्टेज पे होते हैं और हमको कोई बचाने के लिए सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इसका लीवर ख़त्म हो गया है, इसकी किडनी ख़त्म हो गई है, इसको शुगर हो चुका है, अब इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो टाइम टू टाइम 2 महीने में 3 महीने में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 रुपये का BMI, वो तो बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ हो गई, वो नहीं भी करवाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड टेस्ट आपको टाइम टू टाइम 2 महीने में 3 महीने में 1000-1100 रुपये का होता है। मेरा जो हुआ ये 1200 रुपये का हुआ है, तो 1000-1200 रुपये का होता है। इसको प्लीज़ आप करवा लें, देन आप किसी डॉक्टर को दिखा लें या किसी ट्रेनर को दिखा लें, देन उससे पूछे कि भैया मेरी बॉडी में ये चीज़ ऊपर है तो ये नीचे कैसे आएगी, नीचे है तो ऊपर कैसे जाएगी, और किस तरह से मैं डाइट अपनी मेंटेन करूं ताकि मैं इन चीज़ों से भी फ्री हो जाऊं और मेरी बॉडी भी अच्छी हो जाए। अब मेरे को पता है मेरी बॉडी में 36% बॉडी फैट परसेंटेज है और मुझे उसको 9% पे लाना है, तो वो कैसे कैसे हर चीज़ डिज़ाइन होगी, डाइट डिज़ाइन होगी, वर्कआउट डिज़ाइन होगा, कार्डियो डिज़ाइन होगा, कितना कार्डियो हर दिन करना है कि 4 महीने में 5 महीने में मेरा बॉडी फैट परसेंट जो 4 गुना है वो 9% पे आ जाए, 9 × 36 36% है ना, तो 4 गुना है तो उसको मुझे 9% पे लाना है। तो ये चीज़ जब कर पाएंगे जब हमको पता होगी, आप मुझे देखोगे या किसी भी बॉडी बिल्डर को देखोगे कि हम इसकी तरह बॉडी बनाएंगे, लेकिन आपको अपना एम ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो, या जा पा रहे हो तो कितने शॉर्ट टाइम में जाओगे, कितने लॉन्ग टाइम में जाओगे, वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, बस होड़ करने लगे हुए। तो पहले कॉम्पिटिशन किसी से भी मत करो, किसी को देखा देखी होड़ नहीं करनी है, आप पहले अपना गोल जानो कि मेरा गोल यह, जैसे आज मुझे पता लग गया कि मेरी बॉडी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 20% फैट होगा, तो मैं लापरवाही के साथ अपनी डाइट भी लेता रहूँगा, थोड़े बहुत बाहर के चटकारे भी लेता रहूँगा, पिज़्ज़ा वीज़ा खाता रहूँगा और वर्कआउट भी करता रहूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो 36% है। टुडे आई केम टू नो कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा जा चुका है, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको चीज़ें पता लग जाती है और इसका बहुत बेनिफिट होता है। बी प्रोफेशनल, ठीक है, देसी रहो, खाओ देसी, पियो देसी, वर्कआउट देसी करो, बट इस चीज़ में ना अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भाई गलती से भी नहीं करना है। तो भाई यही है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टाइम टू टाइम अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहो, BMI भी करवाते रहा करो, जिससे आपको आपकी बॉडी की इंप्रूवमेंट पता लग जाए। अब मैंने जो BMI करवाया इसमें 36% फैट है, अब जो नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा तो उसमें मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितना फैट रिड्यूज़ कर लिया, या मेरी बॉडी में जो वाटर था वो कितना कम हो गया, या मेरा जो मेरा टारगेट था उसको मैं कितना अचीव कर पा रहा हूँ। तो यही वीडियो था भाई, समझाने का कंसर्न ये है, और जो मेरे भाई पूछ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ कब आएगी, भाई ये सब करने में थोड़ा सा बिजी था, अभी 10-12 दिन वर्कआउट कर लो और मोस्ट प्रोबेबली 10-12 दिन और अभी मुझे लगेंगे, बिकॉज मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में डैमेज हो जाऊँगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सीरीज़ बीच में रुके तो ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसी कोई जुबान नहीं देनी जो बीच में टूटे या बीच में रुके, तो हम बहुत जल्दी कर देंगे, ट्रस्ट रखो। अभी खाओ पियो, मैं भी थोड़ा खा पी रहा हूँ और वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ, जैसे ही मैं बैक टू रूटीन हो जाऊँगा देन फटाक से मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा। और जैसे कि आपने कल देखा होगा स्टोरी में, मुकेश भाई के साथ गया था, पास गया था अभी मुकेश गहलोत जो है हमारे बहुत इंडिया के फाइनेस्ट ट्रेनर्स में उनका नाम आता है, फाइनेस्ट कोच में नाम आता है, गुरुज में उनका नाम आता है, तो उनके अंडर मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ। उन्होंने भी मुझे 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन तू खा पी ले और थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके अपने आप को रेडी कर ले वर्कआउट के लिए, देन मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। तो लेट्स सी, इस बार बहुत बॉम्ब होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और थैंक यू सो मच, अपना ऐसे ध्यान रखें, ब्लड टेस्ट करवाएं, BMI करवाएं और PCT प्रो ले ले जिसको लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जिसके टेस्टोस्टेरोन में कोई भी दिक्कत हो, जॉइंट में कोई भी दिक्कत हो, बोन्स में कोई भी दिक्कत हो, या एस्ट्रोजन प्रॉब्लम हो रहा हो, आप डॉक्टर चॉइस का PCT प्रो ले सकते हैं, आँख बंद करके ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल है। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया और मुझे आ रही है नींद, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में, बाय।